आज 1 करोड़ का कैसे हुआ फाइलों में है उसका हिसाब तो कांग्रेस पार्टी को लेना पड़ेगा, इस सरकार को लेना पड़ेगा। तो वोट देने से पहले सोच लो कि आपको प्याज चोर चाहिए कि प्याज उगाने वाले किसान का बेटा चाहिए। मैं पूरे संसदीय क्षेत्र के परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, सोशल मीडिया से और अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरी बात एक एक जगह जाएगी कि आपको निर्णय लेना है कि आपको प्याज घोटाला करने वाला चोर चाहिए या प्याज उगाने वाला एक किसान का बेटा चाहिए। यह निर्णय संसदीय क्षेत्र की जनता को लेना है। देश के मुद्दे होंगे, प्रदेश के मुद्दे होंगे, राजनीतिक दल अपनी अपनी बात भी करेंगे, पर एक व्यक्ति उसका इतिहास देखो कि जिसने 12 करोड़ का बंगला बनाने के लिए 6 साल लगा दिए, 6 एकड़ में अपना बंगला बना रहा है, उससे हमें गुरेज नहीं, पर सरकार के प्याज का पैसे के बंगले पे वो कैसे रह सकता है, यह विषय है। आज मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, संकल्प लो, दोनों हाथ ऊंचे करो और ये चुनाव कांग्रेस का चुनाव, शैलेन पटेल का चुनाव, प्रत्याशी इसमें आप है। कौन है प्रत्याशी? कौन है प्रत्याशी? जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।